हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम लोग मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पूरे डिटेल और उसके पूरे फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड, ये है मार्च महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेज की एक सीरीज। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मौजूद है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहला दिवस है जो कि मार्च महीने में मनाया गया, वो है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को क्या मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस। और एक और डे है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जो कि 1 मार्च को ही मनाया जाता है। तो बारी बारी से हम दोनों के बारे में जानेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ताकि कोई भी उम्र, लिंग, जातीय, त्वचा या वजन इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। और फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको 1 मार्च 2014 को यूनाइटेड नेशन ने मनाया था। तो इतने क्वेश्चन बनते थे शून्य भेदभाव दिवस से। इसके बाद अगला दिवस है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल जानेंगे कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी आईसीडीओ ने 1990 में इसे मनाने का फैसला किया था। 1990 में सबसे पहले इसे मनाया गया था। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2019 का विषय था बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन से इतने जो है प्रश्न बन रहे थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले दिवस की ओर। हमारा अगला दिवस है 3 मार्च, जो कि मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यह जो है 3 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और सतत विकास लक्ष्य 12 के साथ निकटता से ये जुड़ा हुआ है, और जो पानी के बिना जीवन है और उस पर यह ध्यान केंद्रित करता है, और रोज़मर्रा के जीवन के लिए समुद्री वन्य जीवों की समस्या पर जो है प्रकाश डाला जाता है। जो भी जितने भी समुद्री जीव हैं उस पर प्रकाश डाला जाता है। और 2020 का थीम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट, जो कि कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है इसकी थीम? तो इसकी थीम है पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और 3 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हियरिंग डेज। ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड? तो इसे मनाने का कारण है कि यह बहरेपन को रोकने के लिए, बहरेपन जो कि सुनने में निशक्त हैं, बहरेपन को रोकने के लिए दुनिया भर में सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए, अगर कोई बहरापन है तो उसके आधार पर जो उसके साथ भेदभाव होता है उसके सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हियरिंग डेज मनाया जाता है, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 मार्च से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डेज। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 4 मार्च। 4 मार्च को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसको हम लोग कहते हैं नेशनल सेफ्टी डे। ये क्यों मनाया जाता है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है द्वारा 4 मार्च को वास्तव में ये मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। यह जो है, यह दिन लोगों को वित्तीय नुकसान, जो भी फाइनेंशियल नुकसान होता है, और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं उनके सामने आती है, इस समस्याओं से निकालने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस, इंटरनेशनल वोमेंस डे, इंटरनेशनल वोमेंस डे। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये क्यों मनाया जाता है। महिलाओं की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो या तो फिर राजनीतिक उपलब्धि है उसके बारे में बताने के लिए और उसमें सुधार के लिए जो है यह 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह जो है साथ ही लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए भी एक प्रकार का एक्शन कह सकते हैं इसको, लैंगिक समानता पर भी ये जोर देता है। और बैंगनी रंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतीक बना हुआ है, ये बात भी आपको याद रखना है। बैंगनी, हरा और सफ़ेद रंग का संयोजन महिलाओं की समानता का प्रतीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। और ये जो है 1908 में यूके की, यूनाइटेड किंगडम की महिला सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष से ही उत्पन्न हुआ है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद फ्रेंड अगला दिवस कौन सा है, 8 मार्च को ही एक और दिवस है, रामकृष्ण जयंती दिवस। रामकृष्ण जयंती दिवस ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो है संत रामकृष्ण की जयंती मनाई जाती है। इसके अनुसार, रामकृष्ण के अनुसार, मानव जन्म का एकमात्र बिंदु भगवान को आत्मसात करना यानी कि स्वीकार करना है। ये किसका कहना था? रामकृष्ण जी का कहना था। इसलिए हम लोग जो है 8 मार्च को ही रामकृष्ण जयंती भी मनाते हैं। तो 8 मार्च को दो महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, रामकृष्ण जयंती दिवस। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं 10 मार्च। 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? CISF स्थापना दिवस। CISF स्थापना दिवस। CISF का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इसका जो है ये क्यों मनाया जाता है 10 मार्च को? CISF की स्थापना जो है 1969 में हुई थी, 1969 में 10 मार्च को, इसी कारण से इसे जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। और यह जो है, ये CISF क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि ये CISF जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होकर काम करता है, ये बात आपको जानना जरूरी है। इसके बाद बात आई इसकी मुख्यालय की, इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब बात रही कि ये क्या काम करता है, CISF का काम क्या है। यह संगठन क्या करता है? समुद्र के रास्ते या वायु मार्ग के रास्ते भारत के कुछ प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए काम करता है। कौन काम करता है? CISF। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि 11 मार्च से जुड़ा हुआ है। 11 मार्च, नो स्मोकिंग डेज, नो स्मोकिंग डेज। तो ये क्यों मनाया जाता है? धूम्रपान के माध्यम से तंबाकू हम सभी जानते हैं कि हानिकारक होता है। स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है यह 11 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? नो स्मोकिंग डेज। उसके बाद है अगला 12 मार्च। 12 मार्च को कौन सा दिवस है? मॉरिशस दिवस, मॉरिशस दिवस 12 मार्च। तो मॉरिशस दिवस 12 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि देश के इतिहास में 1968 में ब्रिटेन से आज़ाद होने वाली दो प्रमुख घटनाओं को चिन्हित करने के लिए जो है 1968 में से जुड़ा हुआ है ये। और 1992 में यह गणतंत्र बन गया था। कौन बना था? ब्रिटेन। तो इस कारण से जो है क्या मनाया जाता है 12 मार्च को? मॉरिशस दिवस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पाई दिवस। पाई का नाम आपने सुना होगा जो कि मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पाई दिवस। तो पाई का साइन आप भी जानते हैं, ये ऐसे होता है। और उसके बाद ये मनाया क्यों जाता है? 14 मार्च को दुनिया भर में पाई दिवस मनाया जाता है। इसका कारण क्या है? पाई एक स्थिर का प्रतिनिधित्व करने के लिए गणित में प्रयुक्त एक प्रतीक है। आप सभी जान रहे हैं पाई का वैल्यू जो कि होता है 22/4 या तो फिर 3.14। तो यह जो है वृत्त की परिधि के व्यास का अनुपात होता है, वृत्त की
परिधि के व्यास का अनुपात होता है, और इसका वैल्यू अभी अभी हमने बताया 3.14, या तो फिर इसको क्या लिखते हैं 22/7। इस कारण से 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। चूँकि मैथ में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इस कारण से इसे प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को। ये क्यों मनाया जाता है? नदियों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए, नदियों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए, और नदियों के लिए जो सरकार की नीतियाँ हैं उसमें सुधार के लिए हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और यह क्या करता है, नदियों पे जो भी खतरे बढ़ रहे हैं, जो गंदगी फैल रही है, उससे एक दूसरे को शिक्षित करने का भी एक साधन है ये 14 मार्च का दिवस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 मार्च की ओर। 15 मार्च को कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डेज, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डेज, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अब ये क्यों मनाते हैं? यह उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए, वैश्विक यानी विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन जो है अपनी मांग को उजागर करने का जो है एक यह दिन जो है मौका प्रदान करता है, और सभी उपभोक्ता के अधिकार का इसमें सम्मान किया जाता है, और उसके रक्षा के लिए या सामाजिक अन्याय जो उसके साथ हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ इसमें क्या होता है, विरोध किया जाता है। तो यह है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला है 16 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। यह 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल इम्यूनेशन डेज, नेशनल इम्यूनेशन डेज। और यह पहली बार कब मनाया था फ्रेंड, ये बात भी आपको याद रखना है, 16 मार्च 1995, पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया जाता है। इस कारण से ही 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी खुराक जो है सबसे पहले इसी दिन दी गई थी। यह विश्व में पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए जागरूकता प्रदान करता है, कौन करता है, 16 मार्च का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मार्च, इस दिन क्या मनाया जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ये क्यों मनाया जाता है, इस अवसर पर क्या होता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या तो फिर जो भी गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री जिसका नाम आपने सुना होगा, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं इसको स्वीकार किया जाता है और इसके महत्व के बारे में चर्चा की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि इसका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। तो इसलिए मनाया जाता है कौन सा डेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेज, 18 मार्च को। अगला है 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। इसमें क्या किया जाता है, गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है, याद रखिए वर्ल्ड वाइड विश्व गौरैया दिवस। इस दिन जो है क्या होता है कि लोगों और गौरैया के बीच में जो संबंध है, संबंध की जो मान्यता सदियों से चली आ रही है, इस मान्यता को प्राथमिकता दी जाती है और गौरैया के लिए प्यार फैलाना और उसके जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सब लक्ष्य है विश्व गौरैया दिवस मनाने का। 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो ये जो है क्यों मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए, खुशी के महत्व को बताने के लिए, समझाने के लिए इस दिन को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को समाप्त करने के लिए, असमानता को कम करने के लिए और हमारा जो ये नीला ग्रह पृथ्वी है इसकी रक्षा के लिए 2015 में सबसे पहले सतत विकास लक्ष्यों को लॉन्च किया था, और तभी से जो है 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस, ये कब मनाया जाता है, 21 मार्च को।
21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, इसका इसको कहते हैं हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी इसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी, याद रखना है आपको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी कहते हैं, ताकि पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए, जीवन चक्र को अगर संतुलन में रखना है तो जंगल का महत्व, उसका योगदान क्या है, उसका महत्व क्या है, मूल्य क्या है, इसके बारे में लोगों को शिक्षित किया जा सके, जागरूक किया जा सके। और सबसे पहले 1971 में, याद रखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले 1971 में यूरोपीय कृषि के 23वें अधिवेशन में, याद रखिएगा कृषि अधिवेशन हुआ था 23वां अधिवेशन, इसमें विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की गई थी सबसे पहले, कब, 1971 में। कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को। उसके बाद हम लोग आते हैं 21 मार्च को और भी इम्पोर्टेंट डेज है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये क्या दिवस होता है, ये होता है डाउन सिंड्रोम जो है मानव में एक गुणसूत्रीय व्यवस्था होती है जो स्वाभाविक रूप से होती है, और इसके इसके कारण ही क्या होता है, सीखने की शैली, शारीरिक विशेषता, स्वास्थ्य में जो भी परिवर्तन होता है ये डाउन सिंड्रोम के कारण ही होता है। तो चूंकि इसका बहुत ही अधिक महत्व है मानव शरीर के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, इसीलिए दिसंबर 2011 में, याद रखिएगा दिसंबर 2011 में पहली बार 21 मार्च को ही पूरे विश्व में सिंड्रोम दिवस यानी कि डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया था, और तब से लेकर अभी तक हम लोग 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डेज है 21 मार्च को, विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डेज, वर्ल्ड पोएट्री डेज। तो ये क्यों मनाते हैं कि मानव के मन की जो रचनात्मक भावना होती है उसको दिखाने के लिए, मानव के मन की जो रचनात्मक वो हकीकत से चाहे मिलता जुलता हो अथवा नहीं हो, लेकिन जो रचनात्मक क्षमता होती है, अद्वितीय क्षमता जो कह सकते हैं, इसलिए जो है सबसे पहले 1999 में, 21 मार्च 1999 में कहाँ पर, पेरिस के यूनेस्को में सबसे पहले इसे मनाने का फैसला लिया गया था। तब से लेकर अब तक जो है 21 मार्च को विश्व पोएट्री दिवस, विश्व कविता दिवस हम लोग मनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 मार्च, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डेज। सबसे इम्पोर्टेंट, इसे याद रखिएगा, बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। तो 22 मार्च को क्या किया गया, फ्रेश पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, साफ पानी के बारे में लोगों को समझाने के लिए जो है सबसे पहले 1992 में कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में UNCED की सिफारिश पर सबसे पहले कब मनाया गया था, 1993 में, 1992 में सिफारिश की गई और 1993 में इसे सबसे पहले मनाया गया था, और तब से लेकर अब तक विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है अगला महत्वपूर्ण दिवस 23 मार्च, जो कि है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डेज, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डेज। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, ताकि समाज की सुरक्षा, चूंकि मौसम पे डिपेंड करती है, तो समाज की भलाई के लिए मौसम या तो फिर हमारी जो जलवायु है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये जो है कब मनाया जाता है, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक आपके लिए कि मौसम विज्ञान संगठन लागू कब हुआ था, 1950 में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना आवश्यक है, 1950 में, 23 मार्च 1950 को मौसम विज्ञान संगठन लागू हुआ था। और 2020 का जो ये मौसम विज्ञान दिवस है, इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम क्या है 2020 की, जलवायु और जल, जलवायु और जल। तो इतने क्वेश्चन इससे बन सकते थे। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 मार्च, विश्व क्षय रोग,
यानी कि टीबी दिवस। टीबी का फुल फॉर्म याद रखना है, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो क्यों मनाया जाता है ये, कि आपने सुना होगा या साइंस में पढ़ा होगा कि डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी के कारण बैसिलस या मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की घोषणा की थी। कब? 1882 में। तो इसी डे से 24 मार्च को ही जो है इसकी घोषणा की गई थी, इसी कारण से 24 मार्च को ही प्रतिवर्ष विश्व भर में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि विश्व टीबी या क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डेज 27 मार्च को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 1962 से। क्यों मनाया जाता है? थिएटर को महत्व देने के लिए जो है ये दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो मैंने आपको बताया। आप हमारे इस लिंक पे भी क्लिक करके हमारे YouTube चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं, जो कि हमारे PDF में दिया हुआ है। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे और भी लिंक हैं, उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।